नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। खाने में नमक सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर खाने में नमक नहीं हो तो बेहतरीन से बेहतरीन खाना कचरा बन जाता है। इसीलिए खाने का जरूरी हिस्सा है नमक। लेकिन एक ऐसा नमक भी है जो भारतीय परंपराओं में बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही नमक व्रत में खाया जाता है। इस नमक का नाम है सेंधा नमक। वैसे तो इस नमक का बाजारू नाम सेंधा नमक है, लेकिन अलग अलग इलाके और भाषाओं की वजह से ये कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सैंधव नमक, लाहौरी नमक, हेलाइट नमक, गुलाबी नमक और हिमालय नमक भी इसे कहते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग रही है कि इस नमक के पैकेट पर मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है, और यही बात पाकिस्तान को अखर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। ये नमक दरअसल पाकिस्तान से ही भारत आता है और लंबे समय से आ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खेवड़ा नाम की नमक खदान है। यहाँ से हर साल करीब 4.55 लाख टन सेंधा नमक निकलता है। लेकिन इसके पास प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की यूनिट नहीं है, इसीलिए नमक की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भारत में होती है। यही कारण है कि इस नमक के पैकेज पर मेड इन इंडिया लिखा जाता है। बस इतनी सी बात से इमरान खान चिढ़ गए हैं और कहते हैं कि हमारे नमक पर भारत ने कब्जा कर लिया। अब इसे आप क्या कहेंगे? मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी करीब 450 सालों तक नमक की सप्लाई इस खदान से की जा सकती है। ये झेलम नदी की सॉल्ट रेंज कही जाने वाली पहाड़ियों की वादियों में है, और यही नमक का मुद्दा पाकिस्तान अपने सम्मान से जोड़ रहा है। चीन के अखबार साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट के अनुसार इस मुद्दे को पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने वहां की संसद में भी उठाया था। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि जब नमक पाकिस्तान से भारत जाता है तो भारत उस पर मेड इन इंडिया कैसे लिख सकता है। दुनिया भर में नमक के कई रंग हैं: हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला, भूरा, काला नमक भी एक प्रकार का सेंधा नमक है। अगर नमक निर्माण और निर्यात की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े नमक उत्पादकों में भी नहीं आता, लेकिन चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि सेंधा नमक का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों और त्वचा संबंधी रोगों में भी किया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा सबसे अच्छी होती है। ये प्राकृतिक तौर पर ही पहले से तैयार किया हुआ होता है। इसकी दवाइयां भी बनती हैं। साथ ही इसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। भारत में कई जगहों पर प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोची और हैदराबाद में सेंधा नमक की कई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स हैं। यहाँ से ये नमक जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा समेत पूरी दुनिया में भेजा जाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान अब एक दूसरे को परेशान करने के लिए छोटी से छोटी वीक चीज की तलाश कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके और परेशान किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि सेंधा नमक पर क्या होता है और सेंधा नमक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में क्या गुल खिलाता है।